लखनऊ से, जहां एटीएस ने कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों हत्यारोपियों को गुजरात राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि दोनों ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। चलिए इस प्रकरण की हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के पांचवें दिन मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों को गुजरात राजस्थान बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है। इससे पहले गुजरात के तीन आरोपियों को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद तीनों साजिशकर्ता 4 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिए गए। अब मेन मांग आपकी अपराधियों को फांसी हो जाए, फांसी की सजा दिलाना। इसके लिए आप पर्सनल पैरवी भी करेंगी कि सरकार की तरफ से? तारीफ तो हम हमेशा करते हैं जी। अभी जिसका जवान बेटा मरेगा उसके मुँह से कुछ ना कुछ। डीआईजी एटीएस गुजरात हिमांशु शुक्ला के निर्देश में एसीपी बीपी रोजिया, एसपी बीएस चावड़ा और अन्य अधिकारियों ने कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में वांटेड आरोपियों अशफाक हुसैन, जाकिर हुसैन शेख और मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का आरोपी अशफाक सूरत के लिम्बायत स्थित ग्रीन ब्लू अपार्टमेंट का रहने वाला है, जबकि मोइनुद्दीन खुर्शीद पठान उमारवाड़ा स्थित लो कॉस्ट कॉलोनी सूरत का रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ तो हम हमेशा करते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगी? और क्या कहें, बस खुश हैं। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, बता तो रहे जी, जी। संतुष्ट हैं जी, जी। लेकिन फांसी होना चाहिए जी, जल्द जल्द फांसी दी जाए। मैं हमारे हवाले कर दें, जेल में उनको रोटी ना खिलाई जाए बस ये।